हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ब्लॉक थ्री। ब्लॉक थ्री में फोर यूनिट्स हैं। इसकी मैं फोर जो चारों यूनिट्स हैं इनको आपको मेन मेन टॉपिक्स बता देती हूँ, जिस टॉपिक्स में मेन चांसेस है क्वेश्चंस बनने के। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको बस आपको रीड थ्रू करना है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये आप रीड कर लेंगे। देन यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ मेन है, इसमें आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। देन हमारे पास है फीडबैक का डायग्राम, इसको रीड करना है, उसके बाद ये आपको रीड थ्रू करना है सब। ओके, देन व्हाट आर व्हाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट, ये आप रीड थ्रू कर लेंगे। इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस आपको अच्छे से थॉरली इसको रीड करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है किस किस चीज़ में हमको कम्युनिकेशन यूज आती है, वो आप इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपको रीड करना है, ये उसी का पार्ट है इसमें। देन आपको पास चेक योर प्रोग्रेस है। देन हमारे पास मेन टॉपिक जो आता है सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका मेन टॉपिक हो सकता है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सेवन सर्टेन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसको आप यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है क्लैरिटी, तो आपको क्वेश्चन दे सकता है एक्सप्लेन क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या होता है। या आपको क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लैरिटी, जो कि है 1, 2, 3, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि क्या एक्सप्लेनेशन है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि वो क्लैरिटी का एक रियल लाइफ बेस पे एग्जांपल दिए दीजिए, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। इसके बाद ये हमारे सेवन सीज हैं कम्युनिकेशन के, ये आपको पूरे विद एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है इन्फ्लुएंस ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, इसको आप रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनके छोटे छोटे पैराग्राफ दे रखे हैं कि किस तरह से हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको रीड करना है। बस इनकी जो मेन ये है ये आपको याद करनी है, उसके बाद आप रीड करेंगे तो आपको ये ईजी रहेगा, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा इसको बनाने में। तो आप इनको रीड करें, ये आप इसकी हेडिंग याद रखें, इसके बाद आप इनको ओन वर्ड्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। ये है इनके सारे पॉइंट्स। देन आपके पास चेक योर प्रोग्रेस आ रखे हैं, चेक योर प्रोग्रेस प्लीज स्किप नहीं करना है, क्यों इसी के बेस पे हमको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चेक योर प्रोग्रेस बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, इसको खुद आंसर्स लिखेंगे और फिर याद करेंगे। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन। हमारे पास क्रॉस कल्चर मतलब दूसरी स्टेट्स की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वाले टॉपिक में हमारे पास हॉट्सफर्ड मॉडल है, इसके पार्ट्स हैं पावर डिस्टेंस इंडेक्स, देन ये हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मेन है हमारे पास हॉफस्टेड मॉडल, इसके हमारे पास सिक्स पार्ट्स हैं टोटल, पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, एंड देन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट, ये हमारे इसके हॉस्टेस मॉडल के पार्ट है। इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपीरियल कल्चर के, ये आप एक बार रीड थ्रू कर लेंगे। देन हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल क्विज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक बार आप रीड कर लेंगे। नॉन वर्बल क्विज कैसे होते हैं, जो हमारी बॉडी पोस्चर होता है, हैंड गेस्चर होता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है, उसको कहते हैं नॉन वर्बल। ये भी हमारी कम्युनिकेशन में बहुत मेन होता है, तो एक बार आप ये पढ़ लेंगे। हमें दिया हुआ है इसका पूरा टॉपिक दिया हुआ है। देन हमारे पास है ये वाले यहाँ पे हमें दिया हुआ है पैरा लैंग्वेज एंड पैरा लिंग्विस्टिक, तो ये मेन टॉपिक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस इन आंसर्स दिए हुए, तो आपका एक बार ये याद कर लेंगे। ये वाली यूनिट हमारी खत्म होती है। देन नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है फॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर्मल कन्वर्सेशन कौन सी होती है, जो कन्वर्सेशन हम किसी ऑफिस, किसी मीटिंग, किसी स्कूल वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो होती है फॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम किसी को रिस्पेक्टफुली एटिकेट्स के साथ बोलते हैं। तो इसमें आप ये सब रीड कर लेंगे। यहाँ पे है डोमेन एंड रजिस्टर, ये बस आपको रीड थ्रू करना है। उसके बाद ये फॉर्मेलिटी, इसमें सब आपको रीड करना है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेमोराइज नहीं करना है, इसमें बस आपको रीड करना है अच्छे से समझ के। देन यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस है, इसके आंसर्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। देन हमारे पास है फॉर्मल कन्वर्सेशन एंड फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज, कैसे हम फॉर्मल कन्वर्सेशन में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कैसे हम एक सेंटेंस जनरेट करते हैं, उसमें यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे हमको करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि किस तरह से हम एक फॉर्मल कन्वर्सेशन को लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक अच्छी फॉर्मल कन्वर्सेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट्स है जो फॉलो करनी है, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसका क्या क्या है, तो ये आपको मेन आ सकता है कि क्या जरूरत होती है फॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये आप ये याद कर लेंगे।
इसके यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे इसकी समरी दी हुई है, यहाँ पे फिर से आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देन यहाँ पे दिया हुआ है इंटरस्टिशियल्स ऑफ स्पीकिंग विद रेफरेंस टू अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। इसमें दिया है कि क्या क्या चीज़ें एक कम्युनिकेशन को परफेक्ट कम्युनिकेशन बताती हैं, जिससे हमारा मैसेज अच्छे से किसी रिसीवर को पहुंचे। उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। इसकी वजह से फिर आपका सारा होता है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको रीड थ्रू करना है, क्योंकि इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डेफिनेशंस नहीं है। ये आपको समझना है कि आप कैसे एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा है कि ये चीज़ें क्वेश्चंस में अवॉइड, मतलब ये हमें अवॉइड करना है, जो यहाँ पे ये पॉइंट्स है ये हमको अवॉइड करना है। तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसा पेपर में आ सकता है कि बताइए दो चीज़ जो हमें करनी चाहिए और दो चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी चेक योर प्रोग्रेस है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 C's विद रेफरेंस टू अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो ये आप याद कर लेंगे। मेरी दूसरी वीडियो में मैंने ये थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। देन ये हमारी 7 C's है, इसमें इसके एग्जाम्पल सब कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ये आपको सारा पढ़ना है, इसमें ये एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल कन्वर्सेशन एक बार आप ये पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं मीन्स मतलब पढ़नी है ज़रूर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 90% चांसेस है आने के, कि एक फॉर्मल कन्वर्सेशन लिखिए एक राहुल या सौम्या के बीच में। एग्जाम्पल आप किसी के बीच में आ सकते हैं, कोई आपको सिनेरियो दे सकता है कि इसके बीच में आपको कन्वर्सेशन लिखनी है, और वो कन्वर्सेशन 20 मार्क्स की होगी, तो आपको अच्छे से बड़ी कन्वर्सेशन लिखनी होगी, सिर्फ 3-4 लाइन में नहीं, अच्छे से। तो आप ये अच्छे से पढ़ेंगे किस टाइप से कन्वर्सेशन लिख सकते हैं, किस टाइप से कन्वर्सेशन में क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। को यहाँ पे सारी ये दूसरी कॉन्वर्सेशन दी हुई है, जन आपको यहाँ पे दिया हुआ है योर चेक योर प्रोग्रेस, ये आप करेंगे, देन आपके यहाँ पे ये यूनिट खत्म होती है। देन यूनिट 3 है हमारे पास इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इसमें भी डेफिनेशंस नहीं है, आपको बस इसमें समझना है इनफॉर्मल डोमेन एंड इनफॉर्मल रजिस्टर। जो फॉर्मल में था वही इसमें है, इनफॉर्मल व्हाट इज एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ये बस आपको रीड थ्रू करना है। देन इसके पास यूज ऑफ लैंग्वेज आती है, इसमें इसे एग्जाम्पल दे रखें किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। देन इसमें यहाँ पे भी इसको करेक्टरिस्टिक्स दे रखें कि किस तरह से आप एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लाइक इसमें ये वर्ब्स होते हैं, ये गोना काइंडा ये होते हैं छोटे वर्ड्स होते हैं, गोइंग टू को हम लिख सकते हैं गोना, काइंड ऑफ को हम सकते हैं काइंड, तो ये एक वर्ड्स होते हैं जिससे हम छोटी कन्वर्सेशन बना सकते हैं जो हम इनफॉर्मल में यूज करते हैं। ये हमें सारी दी हुई है विद एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो एक बार ये पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ कॉलोक्वल एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं तो वो बहुत बहुत फ्रेंडली फीलिंग देते हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स में बताए हुए हैं। चिल मैन मतलब रिलैक्स करो, या फिर कूल हो, या फिर लेट्स रोल का मतलब क्या दिया हुआ है कि कहीं चलते हैं कुछ करते हैं, लेट्स रॉक द शो का मतलब दिया हुआ है कि चलो कहीं जाके अपना बेस्ट करते हैं। देन ये आई एम फीलिंग ऑफ मतलब मैं कुछ डल फील कर रहा हूँ, योर स्टिंकिंग मतलब बैड स्मेल, पिस्ड ऑफ मतलब वो बहुत परेशान है, ग्रेटर सीट बर्ड, तो इसमें आपके सारे यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम में आती है कि राइट अ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो आपको ये वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी वो कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाएगी। देन यहाँ पे और भी आपके एक सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं किस तरह से आपको लिखनी चाहिए। पेपर में आपको मोस्टली यही आ सकती है कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन लिखिए, चेक योर प्रोग्रेस है। देन यहाँ पे ये टॉपिक है, इसमें बस मेन दिया हुआ है कि किस तरह से आजकल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, ये आपको रीड करना है। देन यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेक्स्ट ऑन इंटरप्रिटेशन, ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में समझाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से गलत इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं इनफॉर्मल में की वजह से। जैसे हम कुछ बोल देते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है, कुछ अलग मतलब भी हो सकता है। देन इशू फेस्ड बाय नॉवेल स्पीकर्स इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ये आप रीड कर लेंगे, बस इसमें बताया हुआ है कि कैसे एक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आप रीड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेंगे ताकि आप अच्छे से इनफॉर्मल कन्वर्सेशन लिख सके। उसके बाद आपके चेक योर प्रोग्रेस दी हुई है, देन यहाँ पे और भी आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप कर लेंगे। देन हमारे पास है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, इसमें भी आपको मेनली रीड थ्रू करना है, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है। इसमें आपको सब कुछ ऐसे दिया हुआ है कि किस तरह से आप एक कॉल कर सकते हैं, किस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपकी टोन होनी चाहिए, वो इसमें सब कुछ बताया हुआ है। आप रीड कर लेंगे तो आपको वो हो जाएगा, और एग्जाम में आप जितना ओन वर्ड्स में लिखेंगे उतना अच्छा होगा। चेक योर प्रोग्रेस दी हुई है, ये आप कर लेंगे अच्छे से। देन यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आप टेलीफोन में एक कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। देन यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। देन यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस आपका दिया हुआ है,
और यहाँ पे देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, मतलब अलग अलग के तरीके जिस तरह से आपको कन्वर्सेशन बोलनी चाहिए उसमें होती है, स्पीड, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, उसके बाद है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका कैसा पर्सन उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस फीडबैक, जो रिसीवर का फीडबैक है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, देन यू नीड टू साउंड इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब आपको उसमें कन्वर्सेशन में एंगेज, मतलब रिसीवर को ऐसा ना लगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ये, फिर वही है कि आपको क्या क्या करना चाहिए आप एक बार ये रीड थ्रू कर लेंगे, देन यहाँ पे आपको बता रखा है कि किस तरह से आप वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, देन ओके यहाँ पे चेक यू प्रोग्रेस की होगी, तो इसी यहाँ से हमको हमारी ये खत्म होती है। तो सबसे ज्यादा इस यूनिट में क्या मेन है, सबसे ज्यादा क्या आ सकता है कि आपको कन्वर्सेशन लिखनी होगी, चाहे वो इनफॉर्मल भी हो सकती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, तो आप ये वाली बिल्कुल रेडी करके जाइए कि आप एक कन्वर्सेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी कि एक पर्टिकुलर अच्छी कन्वर्सेशन कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।